एक तरफ योगी सरकार प्रदेशवासियों को हर घर राशन देने पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग सरकारी राशन की कालाबाजारी कर उनके इस मुहिम पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है, जहां भारी मात्रा में सरकारी राशन की कालाबाजारी सामने आई है। दरअसल खुर्जा स्थित ढाकर मोड़ से होते हुए 3 कैंटरों को चावल के कट्टों से भरकर किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा था, तभी उसी दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की नजर जब इन कैंटरों पर पड़ी तो अधिकारियों ने कैंटरों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इसके साथ ही अधिकारी अब ये भी पता लगाने में जुटे हैं कि ट्रक को कहां ले जाया जा रहा था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। मैं पिछले एक साल से खुर्जा में लगातार कार्रवाई करवा रहा हूं और भारी मात्रा में खाद्यान्न पकड़ा जा रहा है। 3/7 का मुकदमा भी हो रहा है। एक काफ़ी यहां के जो उस कारोबार में संलिप्त थे वो काफ़ी दिनों से जेल में भी हैं, फिर भी आज भी रात में गाड़ियां पकड़ी गई। वो कौन लोग हैं जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, पूरे पेपर्स की भी जाँच हो रही है और जाँच के उपरांत उसको विधिक कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अनुरोध करूँगा, देखिए करप्शन करने वाला तो दोषी ही है, लेकिन करप्शन में सहयोग करने वाले भी लोग दोषी हैं। जो खाद्यान्न का राशन मिल रहा है उसका उपयोग करें या जो भी हैं वो गलत हाथों में ना दें, क्योंकि जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक हम इन लोगों से लड़ाई कैसे जीतेंगे। बहरहाल कैंटरों के जब्त होने के बाद जिला अधिकारी ने राशन कोटेदारों से निवेदन किया है कि वो सरकारी राशन की कालाबाजारी ना करें और जनता को हर हाल में राशन मुहैया कराएं। बुलंदशहर से नमन सत्य न्यूज के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।